प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटू परिवार को बड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार किया। पिंटू परिवार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर से 8 विधायकों को हिरासत में लिया गया। पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे 8 विधायक। यूपी की योगी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर जारी किए गए श्वेत पत्र पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, मुझे ठीक से पूजा करना नहीं आता और योगी जी को सरकार चलाना, श्वेत पत्र को बताया झूठ की किताब। लखनऊ के शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेंटर में यूपी सरकार की प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेसवार्ता की। आने वाले त्योहारों में शांति और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सीएम योगी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं और यूपी मौजूद कई बड़ी शक्तिपीठ जैसे विंध्याचल ललिता देवी, कल्याणी देवी आदि तीर्थ स्थल में सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार के भागलपुर में उद्घाटन से पहले ही बांध के टूटने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने रद्द किया अपना दौरा। नीतीश को आज करना था उद्घाटन। विपक्ष का तंज यही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अमृतसर में अजलाना के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को नाकाम किया, को ढेर किया। पाकिस्तानी करेंसी भी की गई बरामद। भारी बारिश ने फिर रोकी मुंबई की रफ्तार। ट्रेन सेवा और उड़ानों पर भी पड़ा असर। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया बंद। गाजियाबाद की डासना जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। लूट के आरोप में जेल में बंद था कैदी जावेद। ग्रेटर नोएडा के बिस्तरक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश ढेर हुआ, 2 फरार, 1 सिपाही भी हुआ जख्मी। नोएडा से होंडा सिटी कार और 1.5 लाख रुपए कैश लूटकर भागे थे बदमाश। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिल सकता है पद्म भूषण। बीसीसीआई ने की धोनी के नाम की सिफारिश। इससे पहले सचिन, कपिल और राहुल द्रविड़ समेत 10 खिलाड़ियों को मिल चुका है यह सम्मान। मैक्सिको में 7.1 तीव्रता के भीषण भूकंप से भारी तबाही मची है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 226 तक पहुंच गई है। राम रहीम की चहेती हनीप्रीत के गायब होने को लेकर डेरा के पूर्व साधु गुरदास सिंह आतूर का आरोप। कहा, हनीप्रीत को छुपाने में डेरा अनुयायियों का ही हाथ है। पुलिस को किया जा रहा है लगातार गुमराह। गुरदास सिंह तूर बोले, बाहर से डेरे को कंट्रोल कर रही है अनिप्रीत। गुरदास ने विपासना को बताया अंधभक्त। करनाल के तरावड़ी के वार्ड नंबर 13 में 9वीं कक्षा के छात्र लक्ष्य शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लक्ष्य का शव उसके घर के पास एक खाली प्लॉट में फंदे से लटका हुआ मिला। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। गोहाना में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 3 राशन डिपो संचालकों के खिलाफ की कार्रवाई। समय पर राशन नहीं बांटने और राशन के वितरण में धांधली की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए विभाग ने रद्द डिपो के गांव के पास लगते गांव से उनकी सप्लाई को जोड़ा है। गांव गंगना, रिवाड़ा और सिकंदरपुर माजरा राशन डिपो संचालकों के खिलाफ उपभोक्ताओं ने दी थी शिकायत। भिवानी में लगातार बढ़ रही अतिक्रमण और अवैध निर्माण की समस्या। कई पुराने मकानों की हालत हुई जर्जर। कभी भी गिरकर बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं ऐसे मकान। नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव बोले, इस मामले को लेकर चिंतित है नगर परिषद। संबंधित लोगों को जारी किए गए नोटिस। फतेहाबाद के स्वामीनगर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापेमारी कर झोलाछाप डॉक्टर का किया गया पर्दाफाश। पिछले 10 सालों से स्वामीनगर में क्लिनिक चल रहा था, झोलाछाप डॉक्टर एक क्लिनिक चला रहा था। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को काबू किया। क्लिनिक की तलाशी के दरमियान 12 साल पहले एक्सपायरी हो चुकी दवाइयां मिली हैं। इलाके के लोगों ने दवाई के नाम पर कर रहा था खिलवाड़। बीते 7 दिनों में विभाग की ओर से 3 झोलाछाप डॉक्टरों का किया गया था पर्दाफाश। फतेहाबाद में एक प्राइवेट स्कूल द्वारा बिना मान्यता के कई सालों तक स्कूल चलाने और अभिभावकों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया। अभिभावकों की ओर से मांगी गई एसएलसी के बाद हुआ मामले का पूरा खुलासा। अपेक्स पब्लिक स्कूल की मान्यता के नाम पर स्कूल संचालक करते थे अपेक्स कॉन्वेंट का भी संचालन। अभिभावकों की ओर से शिक्षा विभाग को दी गई
मामले की शिकायत, लेकिन कई महीनों तक मामले को रखा गया फाइलों में दबाकर। शिक्षा विभाग ने स्कूल पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। नूह जिले के आकेड़ा गांव में 4 साल पहले बने स्कूल भवन की बिल्डिंग होने लगी है जर्जर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं यहां के बच्चे। 4 साल पहले ग्राम पंचायत की जमीन पर बनाया गया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लास 6 से 12 तक का है स्कूल। अधिकारी भी जानबूझकर हालात से बने हैं अनजान।